गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाले ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल जो कि आप खुद से बना सकते हो। बहुत ही स्टाइलिश लगेगा और बहुत आसान तरीके से बना लोगे। तो कैसे करना है वो वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो बिल्कुल न्यू हेयर स्टाइल है तो जल्दी से देख लीजिए। और गर्मियों में आप ये ट्राई कर सकते हो साड़ी के साथ। गर्मियों में साड़ी के लिए बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से मैं पहले अपने बालों को आज मैंने वॉश किया है तो इस तरीके से थोड़ा सा ड्राई दिख रहे हैं हेयर, बट कोई बात नहीं, आप हेयर स्टाइल पे फोकस कीजिए। इस तरीके से आपको बालों को लेना है ईयर के यहाँ से, इस तरीके से इस साइड से लेंगे और सेम दूसरी साइड से भी ऐसे ही हेयर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके नीचे के हेयर की जो क्वांटिटी है ऊपर के हेयर से कम है तो आप थोड़ा सा ऊपर के हेयर को और कम कर सकते हो। कैसे कम करोगे वो देख लो इस तरीके से, और फिर दूसरी साइड से भी थोड़ा सा इस तरीके से लेके नीचे के हेयर का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब जो हमने ऊपर के हेयर लिए हैं उसको अच्छे से कॉम कर लेंगे और एक रबड़ बैंड लेके उस रबड़ बैंड को लगाएंगे पूरे बालों में जितना मैंने ऊपर पकड़ा हुआ। पहले नीचे के हेयर्स को आगे की तरफ कर लेंगे ताकि जब हम पोनी बनाएं तो नीचे के हेयर ऊपर के हेयर के साथ मिक्स ना हो और अच्छे से पोनी हमारी बन जाए। तो इस तरीके से रबड़ बैंड को लगा लेंगे। अब सेंटर से एक हॉल करेंगे और इसके अंदर सारे हेयर को इंसर्ट करके ऊपर से नीचे की तरफ खींच लेंगे कुछ इस तरीके से। तो गर्मियों में साड़ी पे हेयर स्टाइल काफ़ी स्टाइलिश लगेगा, बिल्कुल न्यू लगेगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है कि आसान है, बहुत ज़्यादा कोई भी बना सकता है। तो इस तरीके से करने के बाद से ऊपर से थोड़े थोड़े हेयर को खींचेंगे जो कि हमारे क्राउन एरिया के हेयर का वॉल्यूम जो है वो कम ना दिखे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर खींच लिया है। अभी जो ऊपर का जो हमने पोनी बनाया था उस हेयर को अगेन उठाएंगे और जो हमने होल किया था उसके अंदर से ही पोनी के हेयर का एंड पार्ट जो होता है उसको पकड़ेंगे ऐसे और नीचे की तरफ खींच देंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ओके, अब जो नीचे के हेयर बचे हैं उनको सारे हेयर्स को इस तरीके से नहीं करना है, इसको पहले छोड़ दीजिए और सारे हेयर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे ऐसे पकड़ते हुए। सारे हेयर को मैंने एक साथ ले लिया है, अब ऊपर की तरफ लेके आऊँगी। जो हमने ऊपर जो पोनी बनाई थी वो वाला जो बन है वो इसमें अच्छे से हाइड हो जाना चाहिए। अच्छे से कॉम करते हुए ऊपर की तरफ से लेके आएंगे। जब हम लोग हेयर वॉश करते हैं तो हमारे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन बताऊँगी अभी मैं। वैसे मैं अपने हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताती ही हूँ। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ लिया है एंड एक पतला वाला रबड़ बैंड लेंगे और यहाँ पर रबड़ बैंड को लगाएंगे। ओके, तो जितने में आपका जो ऊपर का बन बनाया हुआ था वो हाइड हो जाए उतना गैपिंग छोड़ते हुए एक रबड़ बैंड को लगाएंगे। तो ये रबड़ बैंड हमारा यहाँ पे अच्छे से लगा लिया है। अब आपको एक्स्ट्रा सारे हेयर को ऊपर में जो हमने होल किया था उसके अंदर इंसर्ट करते हुए सारे हेयर को अंदर की तरफ डालेंगे ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर वीडियो में। अच्छे से करने के बाद से आपको यूपिन से इन सबको सेट कर लेना है, अच्छे से सिक्योर कर लेना है ताकि जो आपका बन है वो खुले नहीं और लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। अगर और भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप ये हेयर स्टाइल चाहते हो तो आप एक बॉबी क्लिप्स का यूज़ करिए यूपिन की जगह पे। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से सारे हेयर को इंसर्ट कर लिया है अंदर की तरफ। अब हम लोग यहाँ पर यूपिन लूँगी, यूपिन से भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक आपका हेयर स्टाइल बना रहेगा। तो एक हाथ से सारे हेयर को पकड़ते हुए दूसरे हाथों से यूपिन को लगाएंगे। ओके, इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद से आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो फ्लावर वाले यूपिन से। अच्छे से मैं यूपिन यहाँ पे लगा रही हूँ। वीडियो को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, सॉरी फास्ट नहीं किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस तरीके से लगाने के बाद से इसका लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ऊपर से मैं अगेन थोड़ा सा हेयर को खींच रही हूँ ताकि हमारा जो क्राउन एरिया का वॉल्यूम है वो वैसे का वैसे रहे और बिल्कुल भी वॉल्यूम कम ना लगे। और यहाँ से इस तरीके से यूपिन को अगेन एक यूपिन लिया है और यहाँ से लगा दिया है ताकि साइड का भी जो लुक है वो टाइट दिखे और हेयर स्टाइल जो है वो हमारे लिए कम्फर्टेबल हो और लॉन्ग टाइम तक टिका रहे। तो दोनों साइड से हेयर को इस तरीके से पकड़ा है और यूपिन से अंदर की तरफ इस तरीके से लगा दिया है। तो इस तरीके का लुक आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये हमारा हेयर छोटा है जिसकी वजह से ये बाहर निकल जा रहा है, इसको मैं बाद में सेट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग स्प्रे लिया है, हेयर सेटिंग स्प्रे नीचे की तरफ लगाया है और कॉम से अच्छे से कॉम कर दूँगी ताकि जो मेरे बेबी हेयर्स हैं नीचे की तरफ वो दिखे नहीं और अच्छे से हेयर स्टाइल जो है वो अच्छा दिखे। अगेन एक और यूपिन लूँगी और यहाँ पर लगाऊँगी। आप यहाँ पर मैं फ्लावर वाला यूपिन लिया है, रोज फ्लावर वाला,
और इसको सेंटर में लगा दूंगी, जिससे कि जो हमारा बन है वो पार्टी का लुक देगा। पार्टी में भी इस तरीके से इसको बना सकते हो साड़ी के साथ, बहुत प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। तो जल्दी से क्विक हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो साड़ी पे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो वेडिंग फंक्शन में, पार्टी में। तो यहाँ पे फ्लावर वाला बन आप किसी और से लगवाओगे यूपिन तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बट मैंने खुद से लगाए हैं। तो इस तरीके का लुक आया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है हेयर स्टाइल। आई होप कि आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इस तरीके से अगर आपको कहीं से भी अनकंफर्टेबल लगे, कहीं से लगे कि लूज पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप एक या दो यूपिंस और ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कंफर्टेबल रहे। और शादी पार्टी का फंक्शन होता है तो कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक हमारा हेयर स्टाइल वैसे का वैसे रहना चाहिए। तो अच्छे से अब फ्रंट का हेयर जो है हेयर वॉश किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी वजह से बेबी हेयर्स काफ़ी दिख रहे थे। तो कॉम पे मैंने सेटिंग स्प्रे लिया और इस तरीके से कॉम कर दिया, जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहेगा और बेबी हेयर्स भी नहीं दिखेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और हेयर को अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये हेयर स्टाइल, बहुत ईजी है और बहुत स्टाइलिश सा है, बिल्कुल न्यू है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों में आप बनाओगे कम्फर्टेबल रहेगा और स्टाइलिश भी दिखेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये है फाइनल लुक बन का। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा, और वीडियो को हेयर स्टाइल को ट्राई कीजिएगा। इंस्टा आईडी प्रीति_वाई_24 है, सेकंड चैनल स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती हूँ, प्रीति_वाई_2 सेकंड चैनल का नेम है। और फिर मिलेंगे इसी तरीके की न्यू हेयर स्टाइल लेके, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने ईयरिंग्स भी डाली है यहाँ पे, मैंने पूरा वीडियो एंड होने के बाद से मैंने सोचा ईयरिंग्स डाल के भी दिखा दूँ। तो इस तरीके की ईयरिंग्स इस हेयर स्टाइल के साथ काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अब फाइनली बाय गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।